वेलकम टू शुभम ई क्लासेस दोस्तों। और देखिए आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं परसेंटेज यानी कि प्रतिशत वाला टॉपिक। और इस टॉपिक के हम वो 10 सवाल करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो ये सभी के सभी 10 सवाल जो है अलग अलग टाइप के हैं, ठीक है। तो आप इन्हें टाइप वाइज भी लेकर चल सकते हैं। आपको यहाँ पर ये भी देखना है कि आपको इनमें से कौन से सवाल आते हैं और कौन से सवाल आपको नहीं आते, ठीक है। तो सभी के सभी सवाल जो है आपके इम्पॉर्टेंट है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं आर्मी की या फिर किसी अदर एग्ज़ाम की भी, तो आपको ये सभी के सभी सवाल परसेंटेज के आने चाहिए, ठीक है। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करूँगा वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगा। तो पहला क्वेश्चन है आपका, किसी कारखाने में श्रमिकों की कमी की वजह से उसके उत्पादन में 25% कमी आती है, कार्य अवधि को कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए कि उत्पादन पूर्ववत बना रहे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन है, इसलिए मैं आसान से स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पूरी तरह से फोकस रहना है, ठीक है। तो क्वेश्चन दूसरे टाइप से भी पूछा जा सकता है कि किसी वस्तु के जो है किसी वस्तु का खर्च इतने प्रतिशत बढ़ाया गया या इतने प्रतिशत कम किया गया, उसको कितना बढ़ाया जाए कि वो वापस उसी खर्च पर आ जाए, ठीक है। तो इस टाइप से आपके पास क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखिएगा, अगर यहाँ पर आपकी कमी दे रखी है, जितने प्रतिशत की आपको कमी दी है आपको उतना यहाँ पे डायरेक्ट लिख देना है, 25। जैसे यहाँ पे 25 की कमी दी है, और कमी दी है तो आपको पता है कमी क्या होता है, 100 माइनस लॉस होता है ना। तो नीचे आप क्या करेंगे, 25 को 100 में से घटा के 75 लिख देंगे और आप यहाँ पे गुणा कर देंगे 100 से प्रतिशत के लिए, ठीक है। तो देखिएगा, 25 एकम 25 और 25 3 75, तो 100/3 जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, यानी कि 33 सही 1/3%, ठीक है। यहाँ पे आंसर मैंने कोई भी पुट नहीं किया, यहाँ पे मेरे से ऑप्शन पुट करने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ठीक है। तो आपका आंसर ये रहेगा। सेकंड केस मैं डिस्कस कर लेता हूँ यहीं पे साथ साथ, कि देखिएगा कि अगर यहाँ पे 25% बोलता कि बढ़ाया गया है, यहाँ पे 25% बोलता कि बढ़ाई जाती है और उसको कितने प्रतिशत कम किया जाए कि वो पूर्ववत बना रहे, तब आप कैसे करेंगे। तो देखिएगा, 25 आपको ऐसे ही लिख देना है ऊपर, और यहाँ पे बढ़ाया गया है तो आपको 100 में 25 ऐड करना है यानी कि 125, और फिर आपको गुणा 100 करना है, ठीक है। 25 एकम 25 और 25 5 125, 5 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 20। तो 20% यहाँ पे आपका आंसर होगा अगर यहाँ पे बढ़ाने की बात करता और फिर उसको घटा के उसी लेवल पे दोबारा लाने की बात करता। तो उम्मीद करूँगा ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किसी कारखाने में, सॉरी यहाँ पे वृद्धि वाला भी मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ अभी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा कि किसी परीक्षा में 40 छात्र गणित में असफल हो जाते हैं, 30 छात्र अंग्रेजी में असफल हो जाते हैं, 10% दोनों विषय में असफल हो जाते हैं, तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत बताइए। तो यहाँ पर देखिएगा, आपको ये क्वेश्चन कैसे करने हैं कि 40% जो हैं, पहले यहाँ पर लिखिए आप कुल छात्र कितने हैं, मान लीजिए आपके 100% हैं, राइट। 100 में से क्या कह रहा है कि जो 40% छात्र हैं वो गणित में फेल हो गए, और 30% छात्र जो हैं वो कह रहा है कि अंग्रेजी में फेल हो गए, यानी कि टोटल कितने फेल हुए हैं, 70%। और कह रहा है कि 10% दोनों में फेल हुए हैं। अब दोनों में फेल हुए हैं यानी कि इसमें कुछ जो है इसमें भी फेल हुए होंगे 40 वाले में भी, और कुछ जो है 30 में फेल हुएंगे, तभी दोनों को मिला के 10% फेल बता रहा है कि 10% फेल हुए हैं। यानी कि अगर आपके सामने ऐसा आ जाए कि लास्ट में फिर आपको दोनों को कंबाइन दिया हो, तो आप क्या करेंगे, जो 10% दोनों में फेल हुए हैं ये हमने पहले ही काउंट कर लिया है यहाँ पे 30% और 40% में, ठीक है ओवरऑल। तो आप जो 10% दोनों में फेल हुए हैं उसको आप माइनस कर देंगे, तो इसको माइनस करने के बाद आपका कितना बचेगा, फाइनली 60% बचेगा। तो यानी कि आपके टोटल जो है 60% स्टूडेंट जो है वो क्या हुए हैं, फेल हुए हैं। आपसे पूछा है दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत बताएं। अब देखिए, 100 में से 60% जो है वो क्या हो गए, फेल हो गए, तो 40% बचा, यानी कि जो 40% स्टूडेंट हैं वो क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, राइट। तो ऑप्शन ए अगर आपने चूज़ किया है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि किसी शहर की जनसंख्या 800 है तथा इसमें प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि हो रही है, 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी।
तो इस क्वेश्चन को आप दो तीन तरीके से कर सकते हैं। मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा। देखिए, एक तरीका होता है आपका 1+r/100, यानी कि आप इसको चक्रवृद्धि ब्याज के तरीके से कर सकते हैं। और 2 वर्ष का दिया है तो आप ऊपर 2 लिख सकते हैं, ठीक है। आर की जगह आप 5 लिखेंगे, 5% वृद्धि है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आपने ऐसे भी किया होगा। कुछ स्टूडेंट कैसे करते हैं कि 100 का पहले 5% निकाल के इसमें जोड़ देंगे, फिर जो आएगा उसका 5% निकाल के फिर जोड़ देंगे और फिर आंसर निकालेंगे, बट वो आंसर बहुत लेंथी हो जाता है। अब मैं आपको नया तरीका बताता हूँ, कुछ लोगों को शायद पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। तो देखिएगा, 5% को अगर मैं फ्रैक्शन में लिखूँगा तो क्या लिखूँगा, मैं 5/100 लिख सकता हूँ, यानी कि अगर मैं इसको कैंसिल करूँ तो ये कितना आएगा, 1/20 आएगा। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? तो देखिएगा, यहाँ पे वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो यानी कि 20 अगर मैं कुल जनसंख्या मानूँ तो 1 की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। अब इस चीज़ को आप ध्यान से समझना, अगर आप ये ट्रिक समझ गए तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने ऐसा ही लिया है, आप उसको 2 मिनट के अंदर कर देंगे। तो देखिएगा, अगर पहले वर्ष जनसंख्या 20 है तो वृद्धि हुई तो कितनी हो गई, वो 21 हो गई, ठीक है। तो दूसरे वर्ष भी 20 है क्योंकि 2 वर्ष का बोला है, और दूसरे वर्ष भी जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 21 हो जाएगी, है ना। ये आपसे इस टाइप से दे रखा है, 20 को आपने 1 ऊपर जोड़ दिया क्योंकि वृद्धि हुई है। अगर कमी होती तो आप कैसे करते, 20 और यहाँ पे आप 19 लिखते तो आप 1 घटाते, आगे हम डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, आपको क्या करना है, 20 से 20 को जोड़ गुणा कर देना है तो यहाँ पे होगा 400, और 21 को 21 से गुणा करेंगे तो ये होगा आपका 441, ठीक है। तो ये था आपका अब वाला, ठीक है, और ये आपका जो प्लस होने के बाद, यानी कि ये जनसंख्या है बाद वाली। तो देखिए, जो अब वाला है वो कितना है, 400 है, और एक्चुअल में जनसंख्या कितनी दे रखी है आपको, शहर की दे रखी है 800। तो 400 एकम 400 और 400 दूनी 800, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब इस 2 को आपको सीधा 441 से गुणा कर देना है और आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 2 को मैं 441 से गुणा करूँगा तो वो कितना होगा, 882। तो ऑप्शन बी अगर आपने चूज़ किया है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए, कुछ लोगों को ये थोड़ा नया तरीका लग रहा होगा, अगर आपने पहले किया तो आप अच्छी बात है, या फिर कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये तरीका थोड़ा लेंथी है, बट ये तरीका लेंथी नहीं है। आप अगला क्वेश्चन देखिए, आपको मैं कितनी आसानी से करके दिखाता हूँ। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने इसी के लिए लिया, यहाँ पर ऐड किया है। अब आप एक चीज़ सोचिएगा कि पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, कि वर्तमान में किसी शहर की जनसंख्या एक्स है, ठीक है, एक्स वर्तमान में है, जो कि प्रतिवर्ष यहाँ पर लिखा है 33/1/3%, ठीक है, कि जो कि 33/1/3% की दर से बढ़ रही है। 3 वर्ष बाद कुल जनसंख्या 3200 हो जाए तो एक्स का मान ज्ञात करो। अब अगर आप इस क्वेश्चन को किसी दूसरे तरीके से करने लग गए तो आपका बहुत ज़्यादा समय वेस्ट होगा, आपकी कैलकुलेशन भी बढ़ेगी, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे फंडा कैसा है, इस टाइप का है, ठीक है। तो मेरे तरीके से करिए, जैसे मैंने आपको तरीका बताया है, 33/1/3 को अगर आप सोल्व करेंगे तो आप इसको 100/300 लिख सकते हैं ना, क्योंकि परसेंटेज के नीचे 100 आ जाएगा। तो ये यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो 1/3 इसकी फ्रैक्शन आ गई। फ्रैक्शन से हम इसको करेंगे, 1/3 के आगे इसकी फ्रैक्शन आ गई। अब यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर जनसंख्या बढ़ रही है, तो बढ़ रही है तो यहाँ पर अब लिख देता हूँ मैं, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बाद। इसको पहले सबको कैंसिल करते हैं, फ्रैक्शन आई है हमारी 1/3, यहाँ पे मैं लिख दिया प्रेजेंट, यहाँ पे मैं लिख दिया फ्यूचर, यानी कि बाद वाली जनसंख्या। तो देखिएगा, अब जनसंख्या मैंने मानी है 3, तो 3 में 1 बढ़ेगा, ऊपर 1 है तो कितनी हो जाएगी, 4, और ये 3 वर्ष बाद बताना है तो आपको 3 बार करना है। पिछले में आपका 2 बार था तो आपने 2 बार किया था, इस बार हम 3 बार करेंगे, सिंपल है ना। अब देखिएगा, 3 3 9, 9 3 कितने होते हैं, 27 होते हैं, राइट। 4 4 16 और 16 4 64, तो यहाँ पे हो गया 64। तो यहाँ पर दिखा है 3 वर्ष बाद जनसंख्या हो जाएगी 3200, और बाद वाले का कंपोनेंट कितना है हमारे पास, 64 है। तो 64 को आपको क्या करना है, 3200 के इक्वल कर देना है, ठीक है। तो देखिएगा, 16 4 64, 16 2 32, और 4 से काटेंगे तो 4 5 20, यानी कि 50। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 50 आ गई ना 1 की वैल्यू,
अब एक की वैल्यू अगर 50 है तो 27 की वैल्यू निकालनी है आपको, 50 को आप 27 से गुणा कर देंगे तो आपकी जो है प्रेजेंट की आ जाएगी, यानी कि आपका x का मान आ जाएगा। तो आप इस तरीके से करेंगे तो आप इसको बहुत सिंपली कर लेंगे। तो 27 को 50 से गुणा करूँगा मैं तो यहाँ पर कितना आएगा, 5 × 7 = 35 का 5, हासिल 3, 5 × 2 = 10 और 3 = 13, यानी कि 1350 जो है आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, अगर आप इस तरीके को प्रैक्टिस करेंगे तो आप क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 कि चने के मूल्य में 10% की कमी होने से कोई साहूकार 450 रुपये में 5 किलो चने अधिक खरीद लेता है, चने का घटा हुआ मूल्य क्या है एवं पहले मूल्य क्या था। तो देखिए इसके मैं आपको, इसका मैंने आपके लिए फॉर्मूला लिखा है, आप उसको फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आपके सामने फॉर्मूला है ये कि अगर आपको घटा हुआ मूल्य निकालना है तो आपको x बटा 100 कर देना है और इनटू a गुणा b। ये a क्या है आपका, रुपीज़ है, और b आपका जो है वो क्वांटिटी है। ठीक है, ये a है और ये b है, उम्मीद करूँगा समझ गए होंगे। और पहले वाला मूल्य निकालना है तो आप ये लगाएंगे, ऊपर x होगा, x क्या है ये प्रतिशत है, और नीचे 100 - x और a गुणा b। ठीक है, तो देखिए चाहे यहाँ पे 10% की कमी हो चाहे वृद्धि हो, आपके सामने दोनों में ये ट्रिक काम आ जाएगी। ठीक है, तो पहले हम घटा हुआ मूल्य निकालेंगे, तो x कितना है हमारा 10 है, 10 बटे हम क्या करेंगे 100 करेंगे, a हमारा 450 है और b हमारा कितना है 5 किलो है। ठीक है, 0 से 0 कट गई, ये 0 से हमारी ये 0 कट गई, 5 निम्न कितना होता है 45 होता है, तो घटा हुआ मूल्य आपका कितना आ गया 9 रुपये आ गया। ठीक है, तो घटा हुआ मूल्य आपका आपका आ गया 9 रुपये। अगर आपसे बोले कि पहले मूल्य क्या था, इसीलिए मैंने दोनों केस लिए हैं क्योंकि आपसे एग्जाम में दोनों नहीं पूछेगा, या तो आपसे घटा हुआ मूल्य पूछेगा या फिर पहले वाला मूल्य पूछेगा। अगर पूछेगा पहले मूल्य क्या था तो उसके लिए ट्रिक हमने ये है हमारी। ठीक है, तो जो पहले वाला मूल्य है उसके लिए हम क्या करेंगे, एक्स हमारा 10 है और 100 - x यानी कि हम क्या करेंगे यहाँ पे 90 लिख देंगे, 100 - 10 इंटू ए अपॉन बी यानी कि 450/5। ठीक है, तो 0 से 0, 9 × 9 = 9, 9 × 5 = 45, ऊपर आ गया 50, और 5 × 5 और 5 × 10 = 50, यानी कि पहले मूल्य था 10 रुपये और घटा हुआ मूल्य हमारे निकाला था 9 रुपये। तो ये दोनों आपके आंसर करेक्ट होंगे, उम्मीद करूँगा समझ में आया होगा सबको अच्छे से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और देखिए आप कॉपी पेन लेके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चुनाव में मात्र 2 उम्मीदवार थे जिसमें जीतने वाला उम्मीदवार 54% मत प्राप्त करके 640 मतों से चुनाव जीत गया, चुनाव में कुल कितने मत पड़े। तो देखिएगा, मान लीजिए चुनाव में कुल 100% मत थे। ठीक है, अगर कुल मत है तो 100% होंगे ही होंगे, ये आपको पता होना चाहिए। अब एक उम्मीदवार को पड़े हैं 54% वोट, तो यानी कि एक को पड़े हैं 54% वोट, तो सिंपल सी बात है दूसरे को कितने पड़े होंगे फिर 46 पड़े होंगे, क्योंकि 100 में से 54 तो इसको पड़ गए, तो 46 बचा, 46% जो है वो इसको पड़े हैं। ठीक है, सेकेंड हैंड बोल रहा है कि 54% मत प्राप्त करने वाले प्राप्त करके 640 मतों से चुनाव जीत गया, यानी कि 54% वाले ने इस 46% वाले से 640 मत जो है अधिक प्राप्त किए हैं। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे 54 और 46 का डिफरेंस आपको देखना है कितना है, तो 54 और 46 का डिफरेंस कितना होगा, यहाँ पे 46 रखे आप माइनस कर दीजिए, 14 में से 6 गए 8, तो यहाँ पे 8 का डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रतिशत में डिफरेंस है 8 का और वोट में डिफरेंस है आपका 640 का, तो दोनों डिफरेंस एक दूसरे के मैंने यहाँ पे इक्वल कर दिए। ठीक है, उम्मीद करूँगा समझ में आ रहा होगा। तो देखिएगा 8 × 8 और 8 × 8 = 64, यानी कि एक की वैल्यू कितनी आ गई 80 आ गई, 1% की वैल्यू 80 आ गई, कुल मत पूछे थे यानी कि 100% की वैल्यू, तो 80 को आपको 100 से गुणा कर देना है, तो 8000 जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि मोहन अपनी आय का 20% भोजन पर, 30% वस्त्र पर तथा 15% शिक्षा पर खर्च करके 700 रुपये बचा लेता है, तो उसकी मासिक आय कितनी होगी। अब मासिक आय को हम 100% लिख सकते हैं क्योंकि वो मासिक आय है, उसके अंदर कोई भी खर्च इंक्लूड नहीं है, तो वो अपने आप में क्या होगी 100% होगी।
ठीक है। तो देखिएगा वो क्या कर रहा है, 20% जो है उसने भोजन पर खर्च किया, 30% उसने वस्त्र पर और 15% उसने शिक्षा पर खर्च किया, तो टोटल उसने जो है 65% खर्च कर दिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब 100 में से उसने 65% खर्च कर दिए, तो बचत उसने कितनी की होगी, तो उसकी बचत जो हुई होगी वो हुई होगी 35% की। ठीक है, और यहाँ पे कितने रुपए बचा रहा है, 700 रुपये बचा रहा है। तो यानी कि ये दोनों बचत, यहाँ पे प्रतिशत में बचत है 35 की और रुपीज़ में बचत है 700 रुपये की, दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गया। 35 एकम 35 और 35 दूनी 70, यानी कि 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। आपको बोला है 100% की वैल्यू निकालने को, यानी कि मासिक आय, तो इस 20 को आपको 100 से गुणा कर देना है सिंपली, तो यहाँ पे 2000 हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, उम्मीद करूँगा समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और देखिए इस टाइप से आपके पास क्वेश्चन एक और दे सकता है कि वह अपनी आय का 20% खर्च कर रहा है और आपको लिख दे कि शेष का 30% खर्च कर रहा है, शेष का 15% खर्च कर रहा है। तो आपको कैसे करना है कि कुल इनकम 100% है, 20% उसने खर्च करी तो उसकी बच गई 80%। अब 80% का फिर आपको निकालना है 30%, जो आएगा आपका उसका आपको फिर 15% निकालना है, अगर आपसे शेष वाला क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 8। एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, एक अन्य विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करके आवश्यक न्यूनतम अंकों से 10 अंक अधिक प्राप्त करता है, उन्होंने उनके लिए आवश्यक न्यूनतम अंक तथा पूर्ण अंक ज्ञात करो, यानी कि न्यूनतम अंक यानी कि पासिंग मार्क्स और टोटल नंबर आपको ज्ञात करने हैं, टोटल नंबर कितने थे। तो यहाँ पर देखिएगा कि 30% एक विद्यार्थी ने अंक प्राप्त किए हैं और वो 5 अंकों से फेल हो गया, यानी कि अगर उसके 5 अंक और आते, अगर मैं इसमें 5 और जोड़ दूँ, अगर उसके 5 अंक और आते तो वो स्टूडेंट क्या हो जाता, पास हो जाता। ठीक है, और दूसरे केस में बोल रहा है कि एक अन्य विद्यार्थी के मार्क्स आए हैं 40%, ठीक है, और वो 10 अंकों जो पासिंग अंक है उससे 10 अंक अधिक प्राप्त कर गया, यानी कि अगर ये 10 अंक कम प्राप्त करता, अगर इसमें मैं 10 घटा दूं, तो ये भी पूरे पूरे पासिंग मार्क्स हो जाते और ये भी पूरे पूरे पासिंग मार्क्स हो जाते। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई, तो दोनों को मैंने क्या कर दिया, पासिंग मार्क्स बना लिया है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो देखिएगा प्रतिशत वाला प्रतिशत से घटेगा, तो यहाँ पे 40 में से 30 जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचा, 10% बचा। ठीक है, और यहाँ पे जो है माइनस है, इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचा, 15 बचा, 15 हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो देखिएगा इससे मैं अगर कैंसिल करूँगा तो 1% की वैल्यू आ गई 1.5, समझ में आई बात। अगर मैं पहले पूर्ण अंक निकाल लूँ यानी कि 100% की वैल्यू, तो 1.5 को मैं 100 से गुणा कर दूँगा, क्योंकि ये 1% की वैल्यू है 1.5, तो अगर मैं 1.5 को 100 से गुणा करूँ तो वो होगा हमारा 150। ठीक है, तो 150 जो है वो क्या है, टोटल नंबर है। अब आप ऑप्शन बी डायरेक्ट चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन बी ही ऐसा अकेला है जिसके अंदर 150 दिया हुआ है, आपको सेकंड जो है सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है अगर आपके पास एग्ज़ाम में ऐसा आ जाए। बट एग्ज़ाम में क्या होगा, कोई एक केस आएगा, या आपसे कुल अंक पूछेगा या फिर आपसे पासिंग मार्क्स पूछेगा। तो देखिएगा पासिंग मार्क्स कैसे निकालेंगे हम, कुल अंक हमारे आ गए 150। ठीक है, अब आप चाहें इसमें पुट कर दीजिए या फिर आप इसमें पुट कर दीजिए दूसरे वाले में, आप कैसे भी करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए 150 का अगर मैं पहले 30% निकालूं, तो 150 का 30% कितना होगा, 15 या कितने होते हैं, 45, यानी कि 150 का 30% होगा 45, प्लस 5 भी हमको करना है क्योंकि ये पूरा पासिंग मार्क्स है, तो 45 में अगर मैं 5 और जोड़ दूंगा तो वो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, 50 अंक जो पासिंग मार्क्स हैं और 150 नंबर का कुल पेपर है। ठीक है, अगर आप इसमें भी करते सोल्व तो भी आपका आंसर सेम ही आता, क्योंकि दोनों पासिंग मार्क्स हमने एक दूसरे के इक्वल किए थे। एग्जाम्पल के लिए कर लेते हैं कि अगर मैं 150 का 40% निकालूं तो वो कितना होता है, 60 होता है, हमको फिर 10 भी माइनस करना पड़ेगा, तो 60 में से अगर मैं 10 माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 50 आएगा, है ना।
तो दोनों ही केस में आपका आंसर सेम आएगा, आप कैसे भी आंसर सोल्व कर सकते हैं। तो आपके पास दोनों में से कोई भी केस आ सकता है एग्ज़ाम में, या फिर आपसे न्यूनतम अंक पूछेगा या फिर आपसे क्या पूछेगा, टोटल नंबर पूछेगा एग्ज़ाम के। तो ये दोनों कर लेना। तो देखिए सभी टाइप जो हैं आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और कई बार आपके एग्ज़ाम में आ चुकी हैं। आपसे एक बात बोलनी भूल गया कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, ठीक है। और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, इस जो वीडियो बन रही है इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो उसकी पीडीएफ भी जाकर जरूर डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 कि यदि जल कर में 20% की वृद्धि होने पर पानी की खपत में 20% कमी कर दी जाए तो, यहाँ पे लिखा है कुल कर में, ठीक है कुल नहीं है, तो कुल कर में कितने प्रतिशत की कमी अथवा वृद्धि होगी। तो ये टाइप आपके पास क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि हमने किसी वस्तु की कीमत में 20% की वृद्धि कर दी, ठीक है, और उसकी खपत में हमने 20% की कमी कर दी, तो कुल कितने रुपए का लाभ या हानि हुआ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके पास एग्ज़ाम में आता है, हमेशा आता है। इसके करने के दो तरीके हैं, दो नहीं इसके करने के बहुत सारे तरीके हैं, पर मोस्टली जो स्टूडेंट फॉलो करता है वो क्या तरीका फॉलो करता है, सक्सेसिव रेट वाला, कि x प्लस वाई ये फॉर्मूला लगा देते हैं इंटू एक्स वाई, है ना, इस टाइप से कुछ फॉर्मूला है आप उसको लगाते हैं, बट उसमें गलती होने के चांस भी हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे कमी दे रखा है तो आप प्लस माइनस में गलती कर सकते हैं। आपको मैं दूसरा तरीका बताता हूँ, बिल्कुल बेसिक, कि माना कि कुल मूल्य जो है वो कितना है, 100 रुपये है। अब 20% की पहले वृद्धि हुई तो वो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, है ना, 100 का 20% 20 होता है, वृद्धि हुई है तो 120 हो गया। फिर कह रहा है खपत में 20% की कमी हो गई, तो जो 120 आपका ये आया है ना, आपको इसके अंदर 20% की कमी करनी है। तो 120 का मैं 20% निकालूंगा तो वो कितना होगा, 24 होगा। अब वो 24 हो गया और अगर मैं इसमें से 24 घटा दूं तो यहाँ पे कितना बचेगा हमारा, 96 बचेगा, ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो देखिएगा कि पहले हमारा जो वस्तु थी वो 100 रुपये की थी और अब फाइनली कितने की हो गई है, वो 96 की हो गई है। तो यहाँ पे कितने का लॉस हुआ, 4% का लॉस हुआ, है ना, 4% की क्या हुई है हमको, हानि हुई है। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, इतनी बात। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन भी है, कि किसी वर्ग के प्रत्येक भुजा में 30% वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखिएगा इस टाइप से आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं, यहाँ पे तो वर्ग की भुजा दे रखी है, ठीक है, आपसे शंकु के आयतन में बोल सकता है, आपसे वृत्त के क्षेत्रफल में बोल सकता है, तो आपको क्या करना है, उसके क्षेत्रफल के अनुसार आपको सॉल्व करना है कि उसके क्षेत्रफल में क्या फॉर्मूला लगेगा। जैसे वर्ग का क्षेत्रफल है इसमें तो आपका फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर, है ना, यानी कि भुजा गुणा भुजा। अगर आपसे बोलता कि वृत्त की त्रिज्या में 30% की वृद्धि की जाए तो आपका फॉर्मूला वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर, तो आप इस फॉर्मूला लगा के सॉल्व करते, ठीक है। तो मैं आपको दोनों करके दिखा देता हूँ, ओके। अगर आपसे शंकु का आयतन बोल देता, घनाभ का आयतन बोल देता, तो आप उस हिसाब से सॉल्व कर लेते अपने आप, कोई दिक्कत नहीं है किसी में भी, है ना, बस फॉर्मूला जो है आपको उसी चीज़ का लगाना पड़ेगा। तो पहले हमारा भुजा वाला है, हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर मैं वर्ग की भुजा पहले 10 मान लूँ, अब कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि आपने 10 क्यों माना है, तो आप 10 की जगह 100 मान सकते हैं, 20 मान सकते हैं, 5, 7, आपको जो मानना है मानिए, आपका आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं वर्ग की भुजा 10 मान लूँ, ठीक है, और उसका क्षेत्रफल कितना होगा, ए स्क्वायर, यानी कि 10 का स्क्वायर 100, तो उसका क्षेत्रफल जो है वो 100 होगा, ठीक है। बट कह रहा है कि अगर प्रत्येक भुजा में 30% की वृद्धि की जाए तो 10 का 30% कितना होता है, 3 होता है ना, तो अब भुजा कितनी हो गई, 13 हो गई, ठीक है। और 13 का अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो 169 आएगा, ठीक है। तो पहले क्षेत्रफल कितना था, 100, और अब क्षेत्रफल कितना है, 169। तो फाइनली कितने की वृद्धि हुई है, 69 की वृद्धि हुई है, हमको प्रतिशत निकालना है, 69 हुई है 100 × 100, तो 100 से 100 कट गया, तो 69% की जो है यहाँ पे क्या हुई है, वृद्धि हुई है, ठीक है। उम्मीद करूँगा आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अच्छा, अगर इसकी जगह आपसे क्या बोल देता, वो बोल देता वृत्त, ठीक है, वृत्त वाला कर लेते हैं इसके साथ साथ, कि यहाँ पे वर्ग ना लिख के यहाँ पे लिखता कि वृत्त की त्रिज्या में 30% की वृद्धि की जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता है पाई आर स्क्वेयर।
अगर आपसे वृत्त के परिमाप में बोल देता परिधि में, तो आप 2πr वाला फॉर्मूला लगाते, ठीक है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो पाई आर स्क्वेयर लगा लेते हैं कि मैंने वृत्त की त्रिज्या मान ली 10, ठीक है, तो 10 का स्क्वेयर कितना होता है 100π, यानी कि पहले वृत्त का क्षेत्रफल हो गया 100π। अब 30% की वृद्धि होगी तो क्षेत्रफल कितना हो गया, सॉरी त्रिज्या कितनी हो गई, 13 हो जाएगी, तो यहाँ पर सीधा ही होगा 169π, ठीक है, तो यहाँ पर भी 69% की ही वृद्धि होगी, सिंपल सी बात है, ओके। बट आपको फॉर्मूला हमेशा इसी उसका लगाना है जो आपसे पूछेगा। अगर यहाँ से आपके परिमाप पूछ लेता कि उसके परिमाप में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो देखिएगा हम कैसे करेंगे। परिमाप का फॉर्मूला क्या है, 2πr वृत्त के परिमाप का, ठीक है, वर्ग के परिमाप का नहीं, वृत्त के परिमाप का। तो भुजा हमने कितनी मानी है, वृत्त की त्रिज्या हमने कितनी मानी है, 10 मानी है। तो देखिएगा 10 दूनी कितना होता है 20, यानी कि 20π जो है इसका परिमाप हो गया, ठीक है। अब वृत्त की जो है त्रिज्या में 30% की वृद्धि करी, तो त्रिज्या कितनी हो गई, त्रिज्या हो गई उसकी 13, तो 13πr है ना, यानी कि 13 दूनी कितने हो गए यहाँ पे 26 हो गए, तो यहाँ पे कितना हो गया 26π हो गया। तो देखिएगा पहले 20 था और अब कितना हो गया 26 हो गया, तो अब कितने की वृद्धि हुई है, 6 की वृद्धि हुई है, कितने से हुई है 20 से हुई है, और इनटू हम क्या करेंगे 100 करेंगे, ठीक है, 20 एकम 20, 20 पंजे 100, 5 6 कितना होता है 30, तो यहाँ पे 30% की ही वृद्धि होगी, ठीक है। तो सभी टाइप मैं आपको यहाँ पे करवा चुका हूँ, उम्मीद करूँगा वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।